नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फिर से हम आपके साथ बायोटेक को लेकर के उपस्थित, आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार, जो कि स्पेशली बायोलॉजी के लिए है, जीव विज्ञान के लिए क्लास 11th, 12th एंड बीएससी के बच्चों के लिए भी, क्योंकि हेल्पफुल सबके लिए है। और मैंने बीच बीच में कुछ टॉपिक टीजीटी और पीजीटी के भी बीच में कंटेंट डालते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम तो होगा ही, बट कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन होगा ज़रूर, ये इतना ज़रूर, ये श्योर है कि होगा ज़रूर, लेकिन कब होगा नहीं पता। तो आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बायोटेक की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लाज्मिड यानी क्लोनिंग वेक्टर को लेकर के, प्लाज्मिड को लेकर के चर्चा करेंगे, पीबीआर 322 को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे वहाँ पर, और ये चीज़ क्या है, कैसे हेल्पफुल होगा, कितना कार्यकारी है ये हमारे लिए, इस बायोटेक में नई चीज़ को डेवलप करने में क्या ये प्लाज्मिड, ये क्लोनिंग वेक्टर कैसे सहायक होता है, इस बात को समझें। और इसको समझना बहुत आसान है, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है हमारे साथ, अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस के साथ। आइए बात को समझते हैं। क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्लोनिंग वेक्टर है क्या। तो क्लोनिंग वेक्टर एक छोटा डीएनए अणु होता है जो किसी भी पोषक कोशिका में, जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है, यानी रेप्लिकेट कर सकता है, और इसमें किसी फॉरेन डीएनए को या किसी दूसरे जीव के डीएनए को भी जोड़ा जा सकता है, उसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। अब ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, इसको नॉर्मली हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणुओं के अंदर गुणसूत्र के अतिरिक्त द्विकुंडलित गोलाकार रचना होती है, जिसमें स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन करने की पावर होती है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड आपको यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल और इसमें क्या होता है, इसकी जो विशेषता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर और ये स्वयं प्रतिकृत कर सकता है। ठीक है ना, तो अब ये जानेंगे कि जो क्लोनिंग वेक्टर है ये एक प्रकार से प्लाज्मिड। तो आज के समय पे नॉर्मली हम लोग प्लाज्मिड का ही यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड का, चाहे वो बैक्टीरियोफेज का प्लाज्मिड हो, ठीक है, या लैम्डाफेज का हो, तो इन प्लाज्मिड का उपयोग करके या इनके प्लाज्मिड में क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, इनके प्लाज्मिड में चेंज करके, यानी प्लाज्मिड में चेंज करके कॉस्मिड एंड फॉस्मिड का भी निर्माण किया जाता है या किया गया है। प्लाज्मिड के जो प्लाज्मिड है उसमें चेंज करके, उसमें उसका रूपांतरण करके कॉस्मिड और फॉस्मिड को भी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग होने लगा है।
तो कास्मिड आए तब भी घबराने की बात नहीं है, फास्मिड आए तब भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्लाज्मिड का ही रूपांतरण है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये जो प्लाज्मिड होता है इसकी विशेषता क्या है, मतलब इसके पास कौन कौन से प्रॉपर्टी है, कौन कौन से जीन नॉर्मली इसके पास मिलते हैं, उसको देखते हैं। तो इस प्लाज्मिड के पास, तो प्लाज्मिड एक तो हम कह सकते हैं ये जो है लैंगिक कारकों को दर्शाता है, लैंगिक कारक, और क्या कर सकता है ये प्रतिजैविकता दर्शाता है, मतलब इसके पास लैंगिक कारक का जीन, प्रतिजैविकता का जीन, यानी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, उसके बाद पॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय करने वाला जीन यानी प्रदूषण विघटन का जीन, विघटन का जीन, और उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीन, मतलब ये सब प्रॉपर्टी इसके पास प्लाज्मिड के पास होती है। ठीक है। और उसके बाद हम ये कहते हैं भारी धातुओं के प्रति, भारी धातुओं के प्रति भी प्रतिजैविकता है या प्रतिरोधकता है, रोधकता, ठीक है ना, प्रतिरोधकता ये दर्शाता है कौन, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड के पास इतने नॉर्मल इस तरह के गुण होने चाहिए और ये होते भी। ठीक है। आई होप बात पूरी समझ आ रही है। तो ये प्लाज्मिड क्या कर सकता है, लैंगिक कारक को अर्थात मेल मेल वाला काम, प्रतिजैविकता यानी पावर डेवलप करता है, प्रदूषण को भी विकसित कर सकता है, मतलब ये सारे जीन इसके पास होने चाहिए एक प्लाज्मिड के पास। और प्लाज्मिड के पास और भी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज आपके सामने क्लोनिंग वेक्टर में, क्लोनिंग के लिए मुख्यतः तीन विशेषताएं होती हैं, वो विशेषता क्या है आइए देखते हैं उस विशेषता को। तो सबसे पहले यहां पर हम पीवीआर 322 का स्ट्रक्चर लेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, एक यहां पर आपको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड पीवीआर 322, प्लाज्मिड पीवीआर 322, ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अब यहां पर आर्टिफिशियल का मतलब इसको वैज्ञानिकों ने इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को देख करके समझ करके उसी के रूपांतरण का एक प्लाज्मिड बनाया जिसका नाम पीवीआर 322 रखा गया। पी का मतलब आप समझ लें, पी का मतलब प्लाज्मिड है, बी का मतलब है साइंटिस्ट का नाम है भाई जिसने इसके बारे में बताया था, खोज किया था, बनाया था, बोलिवर, बोलिवर, और आर भी साइंटिस्ट हैं रोड्रिगीज, ठीक है ना, रोड्रिगीज। और जो 322 है ये कोई विशेष वो नहीं है, इसको आप कह सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर है, मतलब क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एक्सपेरिमेंट पहली बार में ही सफल हो जाए, अर्थात ये मान के चलो कि ये जो पीवीआर 322 है ये 321 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, 322वें नंबर पे जाकर के सफलता मिली, ये इसका मतलब होता है। तो ये पीवीआर 322 का मतलब है, ये क्या है। अब पीवीआर 322 के स्ट्रक्चर को समझें तब इसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे, केवल आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें अपने इस टॉपिक के साथ। तो पीवीआर 322 को लेकर के हम बात करने वाले हैं जो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। स्ट्रक्चर को ड्रा करें क्योंकि भाई पीवीआर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, तो गोलाकार हम भी बनाएंगे इसको, सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना, सर्कुलर होगा
ऐसे नॉर्मली गोलाकार लग रहा है ना, ठीक है गोलाकार है। तो अब ऐसे ठीक है ना, अब यहां पर देखिए थोड़ा से बात को समझें। इस एरिया को ऐसे ठीक है, ऐसे नॉर्मली बना दीजिए ठीक है ना। आपको ये गोलाकार बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहां पर इस पीबीआर 322 में दो सिलेक्टिव मार्कर होते हैं, मतलब ऐसी जीन होती हैं इस पीबीआर 322 में, यानी इतने से क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम रेड से आपको दिखा दे रहे हैं, ये क्षेत्र और इधर इतना ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक ऐसी जीन का क्षेत्र है जो ये पता लगाने में हमारी हेल्प करता है कि कोई सेल रिकम्बिनेंट है या नहीं है। यहां पर दो सिलेक्टिव मार्कर हैं, इसमें यहां पर एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस, और इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ठीक है। और इसमें दो स्पेशल जीन होती हैं, या स्पेशल जीन का एंजाइम होता है, ऊपर की साइड में बाम होता है, बाम H1 ठीक है, और नीचे की साइड में साल होता है, साल 1 ठीक है। और यहां पर जो होता है ROP रिप्रेसर ऑफ पॉलीपेप्टाइड ठीक है, और यहां पर थोड़ा से इसको छोटा कर दे रहे हैं भाई, इधर यहां पर ठीक है इतने में। तो ये एरिया जो है, ये एरिया ORI है, वर्जिन है ठीक है, वर्जिन है। और देखिए इसके अंदर, यानी टेट्रासाइक्लिन में ऊपर की साइड में बाम H1 ठीक है, और नीचे जो है वो साल 1 होता है, मतलब पूरे में ऊपर की साइड में ये है, नीचे की साइड में ये है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ठीक है, जो कि एक सिलेक्टिव मार्कर है। एम्पीसिलिन में ऊपर की साइड में PVU फर्स्ट है, और नीचे की साइड में PST फर्स्ट होता है ठीक है। और इसमें ये थोड़ा सा मल्टीपल जीन का कॉम्बिनेशन है, ये यहां पर इसमें ECAR1 है आपके साथ, रेड से लिख दे रहे हैं यहां पर ECAR1, और एक क्ला है यानी CAL1 है, और इसी में क्या है HIND3 है ठीक है ना। तो ये आपका जो है, और ROP के पास PVU सेकेंड होता है, जीन जो है PVU सेकेंड। तो ये नॉर्मल आपका क्या बन गया, PBR 322। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है, आपको समझ सब आएगा। तो अब देखिए, जैसे आपको इस प्लाज्मिड की विशेषता तीन है, कौन है, क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग के लिए मुख्य तीन विशेषताएं, वो पहला तो है वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये प्लाज्मिड कहां से, एक ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां से वो प्रतिकृति कर सके, अपनी स्टार्टिंग प्रक्रिया को शुरू, मतलब वो प्रारंभ कर सके कि हमें एक प्लाज्मिड से दूसरा प्लाज्मिड कैसे बनाना है, कहां से बनाना है, जहां से रेप्लिकेशन की प्रक्रिया या प्रतिकृति की प्रक्रिया
स्टार्ट होती है उसे वर्जिन कहते हैं। तो वर्जिन यहां पर है, यहां से, ठीक है ना। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें कितनी वर्जिन होगी, अगर यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है तब उसमें कितनी वर्जिन हो सकती है, इसे आप कमेंट में जरूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जेनेटिक्स का चैप्टर वहां पर पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में यानी प्लाज्मिड में कितने वर्जिन आप रेप्लिकेशन होते हैं और यूकैरियोटिक में कितने वर्जिन आप रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही होगी, कमेंट जरूर करें। तो और आइए अब चलते हैं, तो हमें वर्जिन समझ आ गया। दूसरा है सिलेक्टिव मार्कर, वर्ण योग चिन्हक। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इस प्लाज्मिड के लिए, कि ये बताता है कि जो इसमें हम कोई फॉरेन डीएनए जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद आरडीएनए बना लेते हैं, और आरडीएनए को बना लेते हैं तो उस आरडीएनए को किसी उचित पोषक कोशिका में डालते हैं, तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि यही बैक्टीरिया जो है वो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कौन सी नॉन रिकम्बिनेंट है, तो ये पहचानने में ये मदद करता है। कैसे करेगा ये हम आपको अलग अलग टॉपिक में एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तीसरा है क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोनिंग साइट क्या होती है, मतलब इस प्लाज्मिड के पास कोई ऐसा नाइट्रोजन बेस का अनुक्रम होता है जहां से डीएनए को ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके, काटा जा सके, यानी रिस्ट्रिक्शन साइट, अर्थात जहां से नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस और उस सीक्वेंस को हम बैक्टीरियल एंजाइम से काट लें, और जहां से काटेंगे और जहां पर काटने के बाद उस फॉरेन डीएनए को जोड़ेंगे उसी को रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। आई होप बात पूरी समझ आ रही होगी। और ये पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर आराम से समझ लें, क्योंकि यहां से भी कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस में कौन कौन से एंजाइम जीन पाए जाते हैं, तो आप पीबी यूज फर्स्ट और पीएसटी ऊपर की साइड में होगा, नीचे साइड में होगा, तो ये बाम H1 साल और रोप पे कौन होता है, पीबी यू सेकेंड होता है, और एक जगह कहाँ पे है, तीन है, ईकार1 काल एंड हिन थर्ड। तो ये बहुत आसान सा है स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपको पीबी आर 322 का पूरा नाम क्या है ये भी कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में हम आपको सेलेक्टिव मार्कर का उपयोग ये काफी अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नीट जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोगों को भी जानना चाहिए, जानना पड़ेगा इस आखिरकार आरडीएनए को उस माइक्रोब्स में कैसे पहचाने कि यही हमारा रिकम्बिनेंट सेल होस्ट सेल है। तो इसको पहचानने के लिए सेलेक्टिव मार्कर का यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझें, और इसके पहले वाले वीडियो को भी समझें, और YouTube पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।